नमस्कार मित्रों, ऋषि चिंतन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारी साथ गायत्री महामंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का चैप्टर है हम अपना भविष्य और चरित्र स्वयं बनाते हैं। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता है। निज का उत्थान पतन उसके वश की बात है। यह तथ्य जितना सच है उतना ही यह भी सही है कि वातावरण का प्रभाव अपने ऊपर भी पड़ता है और अपने व्यक्तित्व से परिवार एवं समाज का वातावरण भी प्रभावित होता है। बुरे वातावरण में रहकर कदाचित ही कोई अपनी विशिष्टता बना सका हो। साथ ही यह भी सच है कि वातावरण का प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रहता। अधिकतर समर्थ लोगों की क्रियाकलाप ही वातावरण बनाते हैं। बहुसंख्यक होने पर और एक प्रकार की गतिविधियां अपना लेने पर दुर्बल स्थिति के लोग भी अपना एक विशिष्ट प्रकार का माहौल बना लेते हैं। वैष्णी अनाचारियों का समुदाय भी ऐसा प्रभाव उत्पन्न करता है जिससे सामान्य स्तर के लोग प्रभावित होने लगे। इसलिए अच्छे वातावरण में रहना और बुरे वातावरण से बचना भी उसी प्रकार आवश्यक है। जैसे स्वच्छ हवा में रहने और दुर्गंध से बचने का प्रयत्न किया जाता है, वह कहानी प्रसिद्ध है जिसमें एक ही घोंसले से पकड़ दे गए हो तोते के बच्चे दो भिन्न प्रकार के व्यवसायियों ने पाले। वहां भी स्थिति के अनुसार ही वे बोलना सीख गए। संत के यहाँ पल्ला तोता सीताराम राधेश्याम कहता था और चोर के यहाँ पल्ला लूटो खसोटो मारो काटो के डट लगाता था, क्योंकि उन्हें यही सब दिन भर सुनने का मिलता था। मनुष्य के संबंध में भी यही बात है। वह जैसे लोग के साथ रहता है वैसी परिस्थितियों में रहता है। जो कुछ समीपवर्ती लोगों को करते देखता है उसी के अनुसार अपना स्वभाव भी डाल देता है। वह बंदर की तरह अनुकरणीय प्रिय जो है। मनस्वी लोग अपनी आदर्शवादी पर सुदृढ़ रहकर अनेकों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। कितनों को ही अनुकरण की प्रेरणा देते हैं। अपने औचित्य का कारण उस मार्ग पर चलने के लिए अनेकों को आकर्षित करते हैं। आवश्यक नहीं है कि वह मार्ग सरल या परंपरागत ही हो। नवीन विचार भी अपने औचित्य के कारण प्रतिभाशाली लोगों द्वारा अपनाए जाने पर एक मार्ग बन जाते हैं। सर्वसाधारण को तो परंपराएं ही सब कुछ प्रतीत होती है, पर विचारवान लोग औचित्यवान को देखकर पड़कते हैं, उसे ही चुनते अपनाते हैं। पर असली बहुमूल्य मोतियों का कोई पार्थिव खरीदार न हो ऐसी बात भी नहीं है। बुद्ध और गांधी का मार्ग सर्वथा नया था, पर उसके प्रामाणिक व्यक्तित्व और औचित्य बड़े प्रतिपादन का परिणाम था कि असंख्य व्यक्ति उनके अनुयायी बने और एक नवीन वातावरण बना देने में सफल हुए। पर ऐसा होता तभी है जब प्रतिभावान अग्रगामी बनकर किसी उपयुक्त मार्ग को अपनाए और अपनी बात को तर्क
तथ्य प्रमाण उदाहरण समेत समझाए। स्वयं उस मार्ग पर सुदृढ़ रहकर अन्योन्योत्तम में मनोबल उत्पन्न करे। प्रथा परंपराओं में से अधिकांश ऐसी है जो आज की स्थिति में अनुरूप नहीं रही, भले ही वे किसी जमाने में अपने समय के अनुरूप भूमिका निभाती रही हो। समय गतिशील है, वह आगे बढ़ता है, पीछे नहीं लौटता, चरण सदा आगे बढ़ते हैं। यदि कोई पीछे की तरफ उल्टी गति से चलना प्रारंभ करे तो विचित्र लगेगा, धीमे चलेगा और कांटे चुंबने उसे संकट में भी फंसेगा, फिर वापस लौटने में हाथ भी क्या लगेगा, उसमें समय की बर्बादी ही पले पड़ेगी। आदिम काल से लोग जिस रहन सहन को अपनाने के लिए विवश थे, वह उस समय की सही सूझबूझ हो सकती है, पर अब न हम गुफाओं में घर बनाकर रख सकते हैं और न पत्ते लपेट कर ऋतु प्रभाव से बच सकते हैं। निर्माण के लिए चिर पूर्वज जिन साधनों पर निर्भर थे, उसे अब इस प्रगतिशीलता के समय में कोई भी अपनाने के लिए तैयार न होगा। फिर भी हम पुरातन की दुआएं देते हैं और उन्हीं प्रचलनों की तरह सराहना करते हैं जो कभी परिस्थिति वश अपनाए जाते रहे। किसी को भी यह नहीं कहना चाहिए कि हमें परिस्थितियों से व्यक्तियों से विवश होकर यह करना पड़ा। वातावरण का प्रभाव अवश्य पड़ता है, पर वह इतना प्रबल नहीं है कि साहसिक को बोधित कर सके, आदर्शों को तोड़ने मोड़ने में समर्थ हो सके। अनंत यह निष्कर्ष अपनी यथार्थता सिद्ध करता है कि मनुष्य अपने भाग्य और भविष्य का निर्माता स्वयं है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।